नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में। NVS PGT केमिस्ट्री जो कि एग्ज़ाम कल हुआ था 17 अक्टूबर सितंबर को, उससे एग्ज़ाम का मैंने यहाँ पे डेट गलत लिखी है, 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 09 आना चाहिए। तो उस एग्ज़ाम का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर रिव्यू फॉर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक केमिस्ट्री का रिव्यू करने जा रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैं रिकवर कर पाई हूँ कि इसलिए PGT केमिस्ट्री के पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से रिकवर कर सकती थी विद द हेल्प ऑफ माय कलीग्स, विद द हेल्प ऑफ माय स्टूडेंट्स, वो मैंने उतने क्वेश्चंस को रिकवर किया है और आपके लिए लेकर आई हूँ वो सभी क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत पूछे गए थे। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन लास्ट मैं आपको बताऊँगी कि कितनी अकॉर्डिंग टू मी पेपर की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। पेपर का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा इजी था, इजी भी नहीं बहुत ज़्यादा इजी था, तो इसलिए कट ऑफ 101% बहुत हाई जाने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेशंस करवाए थे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड किए थे, KVS के प्रैक्टिस सेशंस करवाए थे, तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस थे वो उन्हीं में से आए थे, कोई भी बाहर का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो जिन्होंने भी मेरी प्रैक्टिस सेशन किए हैं या मेरी प्रीवियस वीडियो की हुई है तो उनको डेफिनेटली उनको पता चला होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस यही सब कुछ ही घूम फिरा कर आए हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। तो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था। आयोनाइजेशन एनर्जी किस में पूछी गई थी? सेकंड ग्रुप में पूछी गई थी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सेकंड ग्रुप का ऑर्डर होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, साइज बढ़ता रहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कम चाहिए होती है। B2O3 प्लस NH3 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे B2O3 NH3 के साथ रिएक्शन करके बोरोन नाइट्राइड बनाता है। ये प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन कराया था, इसकी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसी होती है, उसमें हमने देखा भी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था विच आर ऑफ दीज एसिडिक अमीनो एसिड, ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें पूछा गया था एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट होते हैं। इसको मैंने याद करने की मेरी वीडियोज़ में ट्रिक बताई थी जब मैंने प्रैक्टिस सेशन करवाया था, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन था अमीनो एसिड कंटेन सल्फर ग्रुप, सल्फर ग्रुप किस में होता है? सिस्टीन में एंड हमारे मिथियोनिन में। तो सल्फर ग्रुप था सिस्टीन एंड मिथियोनिन में, ये क्वेश्चन भी करवाया था प्रैक्टिस वीडियो में। नेक्स्ट था B5H11 विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने मेरी प्रैक्टिस वीडियो में बताया था B5H9 का, और अब यहाँ पूछ लिया B5H11 का। तो B5H11 का हम सेम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, 5 बोरोन, तो 5 × 10 इलेक्ट्रॉन, देन कितने बच गए, 11 में से 5 गए, 6 7 8 9 10 11 6, तो 10 और 6 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 8 16, तो 5 + 3 = 8। तो M+1 M+2 N+3 मतलब क्लोजो नीडो अरेक्नो, तो दिस इज अरेक्नो बोरेन। नेक्स्ट इन विच मॉलिक्यूल हैव बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो बहुत ऑप्शंस दे रखे थे और हमें बताना था कि किस में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, जैसे ऑप्शन थे NF5, PCl5, SF6। तो देखिए जो PCl5 होती है इसकी बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सॉलिड में ज्योमेट्री इन सॉलिड में पूछा गया था, तो इन सॉलिड में जो PCl5 होता है वो कैटायन की तरह भी रहता है PCl4 पॉजिटिव, एंड एनायन की तरह भी रहता है PCl6 नेगेटिव। तो कैटायन की होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और एनायन की होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक पूछा गया था क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है SPDF। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, प्रैक्टिस सेशन में भी दो तीन प्रैक्टिस प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था, गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होता है ΔG = ΔH + T ΔG/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है CH3F। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूनिट ऑफ मोलैरिटी पूछी थी, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. विच एलिमेंट फाउंड इन हेमेटाइट, हेमेटाइट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? Fe फॉर्मूला होता है Fe2O3. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. यूनिट ऑफ स्टार्च पूछी गई थी, स्टार्च की यूनिट होती है मतलब क्वेश्चन देखिए अब मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, जितने मतलब मेरे नॉलेज में आए कि ये क्वेश्चंस आए थे तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये एक रफली आइडिया के तौर पर क्वेश्चन आंसर का रिव्यू सेशन किया है. हो सकता है कि कुछ और भी अलग तरीके से क्वेश्चन आया होगा तो आपको ये एक आइडिया लग जाएगा, तो इसलिए आप करें और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं. और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कभी भी अपने एग्ज़ाम का रिव्यू नहीं करते हैं, जबकि ये एक गलत आदत है. आपको हमेशा अपने एग्ज़ाम का रिव्यू करना चाहिए कि आगे से अगर हम किसी कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें हमसे सेम गलती ना रिपीट हो. इसलिए अपने एग्ज़ाम का रिव्यू हमेशा करना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चन गलत करके आ गए और क्या सही करके आए हैं और कैसे इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था. चलिए स्टार्च की यूनिट, स्टार्च हमें पता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है तो ग्लूकोज. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. हाफ लाइफ डिपेंड अपॉन इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ के दो क्वेश्चन आए थे जैसा कि मुझे बताया गया, तो हाफ लाइफ के दो क्वेश्चन थे, सेकंड ऑर्डर का भी पूछा गया था और थर्ड ऑर्डर का भी. और मुझे जहाँ तक नॉलेज में आया है कि इसके ऑप्शन गलत थे. अब मुझे नहीं पता ऑप्शन क्या थे क्या नहीं, तो मैं वैसे बता देती हूँ कि सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है कि टी हाफ इज़ प्रपोर्शनल टू, वैसे भी हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज़ प्रपोर्शनल टू 1/a^n-1. अब देखिए टी हाफ सेकेंड ऑर्डर का निकालना है तो 1/a^ सेकेंड ऑर्डर मतलब एन मतलब 2-1 दो में से गए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए के, जबकि ये ऐसा ऑप्शन नहीं था ऑप्शंस में, तो ऐसा मुझे सुनने में आया. आई एम नॉट कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दिस, तो ये देख लीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए भी आया था. थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या हो जाएगा कि 1/a^n-1 मतलब 1 मतलब 3 में से एक दो, तो टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. माल्टोज एंड ग्लैक्टोज पूछा गया था कि किस काइंड की है, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड, तो माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है, तो माल्टोज जो होता है वो होता है आपका डाइसैकेराइड एंड ग्लैक्टोज आपका होता है मोनोसैकेराइड. ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से आपके लैक्टोज बनती है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. विच मोलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो एसिडिटी जो होती है वो पता है हमें इस प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ओवर माइनस आई, तो जैसे जैसे माइनस आई वाला ग्रुप तो तीन CF3 तीन है, तो CF3 ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. एन प्लस एल रूल इज ऑल्सो नोन एज एन प्लस एल रूल, हमें पता है ऑफ बाउ रूल के लिए जाना जाता है. एन प्लस एल जितना कम होता है एनर्जी सबसे पहले उसकी भरी जाती है, सॉरी एनर्जी उतनी ही कम होती है तो सबसे पहले वो भरा जाता है फिर हाईएस्ट में भरा जाता है, तो दिस इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल. नेक्स्ट स्लोप ऑफ ग्राफ पूछी गई थी, लोग नेचुरल के वर्सेस 1/t. तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अभी प्रैक्टिस वीडियो में डाला था, बट मैंने प्रैक्टिस में डाला था कि लोग के ओवर के वर्सेस 1/t की, और यहाँ आ गया लोग नेचुरल के वर्सेस 1/t. तो अब कैसे होता है, हमें पता है फॉर्मूला होता है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी. अगर लोग नेचुरल लेंगे तो लोग नेचुरल के बराबर लोग नेचुरल ए माइनस लोग नेचुरल ई ई 1 हो जाएगा, तो माइनस ई ए ओवर आर टी. तो वाई ये होता है वाई, ये हो गया सी, ये हो गया माइनस आर 1 ओवर टी हो गया एक्स, तो वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी. तो जो स्लोप होगी दैट इज़ द माई एम, एम क्या होगी आपकी माइनस ई ए ओवर आर, तो इसका आंसर था माइनस ई ए ओवर आर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. मेसनर इफेक्ट इज शोन बाय विच काइंड ऑफ कमा, मेसनर इफेक्ट जो होता है वो शोन करते हैं सुपर कंडक्टर. ऑप्शन थे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और ऐसे सुपर कंडक्टर, तो उसका सुपर कंडक्टर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. व्हाट प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनता है जब क्लोरोबेंजीन क्या होता है रिएक्ट करता है सोडामाइड NaNH2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन
डिस्प्ले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजाइन मैकेनिज्म से जो होती है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है आपके क्लोरोबेंजीन से पहले बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, एलिमिनेशन होता है पहले सीएल का और फिर बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, देन एनएच टू अटैक करता है, तो ये आपका एनएच टू, तो दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज एनिलीन, तो एनिलीन बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड मतलब कि CH3 CH2 CONH2 प्रोपेनोमाइड रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसे कंप्लीट रिड्यूस कर देगा और हमें बन जाएगा CH3 CH2 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 NH2 प्रोपेनेमीन। तो प्रोपेनेमाइड से क्या बनेगा, प्रोपेनेमीन या प्रोपिल अमीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हेक्जेन नाइट्राइल। हेक्जेन नाइट्राइल मतलब CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 CH2 नेक्स्ट CN नाइट्राइल है, मतलब कि ये वाला कार्बन भी काउंट में होगा। जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन निकल के पास कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या देगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 1 2 3 4 5 एंड देन ये रिड्यूस होके CH2 NH2, तो ये अगेन हेक्सेनामीन या हेक्सिलामीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, CFSC पूछी गई थी स्ट्रॉन्ग फील्ड D7 कॉम्प्लेक्स में। D7 के लिए T2G EG, चलिए T2G एंड EG, तो D7 के लिए मतलब 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब पेयरिंग होगी 4 5 6 7, ये होते हैं -0.4, ये होते हैं +0.6, तो 6 × -0.4 +1 × 0.6, तो 6 × 24 2.4 − 2.4 +0.6 −1.8 डेल जीरो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टवाल डाइल्यूशन जो होता है हमारा KD बराबर C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 − अल्फा। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं ये, जो देखते ही टिक करे जा सके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए इजी थे तो 100% ऑलमोस्ट सबके लिए ही ईजी है, तो इसलिए कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई जाएगी, बस आप प्रे करिए गॉड से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, CONH3K5Br SO4 CONH3K5 SO4 Br किस काइंड विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो आयनीकृत होने वाली स्पीशीज जब भिन्न भिन्न हो ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2-fold or 3-fold। रेट ऑफ रिएक्शन हमारी 2-fold या 3-fold जब इंक्रीज होती है, जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है 10 °C राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो हमारा KT plus 10 होता है, तो जो थीटा हमारी रेट कॉन्स्टेंट है वो 2 to 3 गुना बढ़ जाती है। चलिए व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराजाइलीन इज ऑक्सीडाइज्ड, पैराजाइलीन क्या होता है हमारा CH3 एंड देन CH3 1,4-dimethyl बेंजीन इज पैराजाइलीन, जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड मैगनीज में, तो ऑक्सीडाइज होके ये क्या बना देता है COOH, तो बेंजीन 1,4-dicarboxylic acid, बट इसका कॉमन नेम दे रखा था, दिस कॉमन नेम इज नोन एज टेरेपथैलिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्रैग इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ब्रैग फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, नॉट रिएक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है, ब्रैग इक्वेशन होती है 2D sin θ = nλ। देखिए ये क्वेश्चन भी करवाया था, डाला था मैंने मेरी प्रैक्टिस सेक्शन में, तो n = 1 फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो 2D sin θ = λ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच कंपाउंड द डाइपोल मोमेंट इज जीरो, डाइपोल मोमेंट H2O NO C6H6 हाइड्रोकार्बन C6H6 में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, द बॉन्ड एंगल इन SP3D3 बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री होती है SP3D3
थ्री में पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो ये दो पिरामिड के 90 डिग्री होते हैं और पेंटागोनल का एंगल होता है 72 डिग्री, तो 90 डिग्री और 72 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियो ऑफ यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। 3-4 प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस में भी प्रैक्टिस में भी ये डाला था, न्यूक्लियोसाइड की यूनिट होती है शुगर प्लस बेस, जब फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीन आयनिक एक्टिविटी फॉर 0.01 मोलल NaCl सॉल्यूशन। मीन आयनिक एक्टिविटी हम निकालते हैं 1/2 × m1z1² प्लस m2z2² करके, 1/2 m1 है, m1 मतलब Na की मोलैलिटी क्या हो जाएगी 0.01, Cl नेगेटिव की मोलैलिटी हो जाएगी 0.01, एंड चार्ज हो जाएगा Z पॉजिटिव Z नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 1-1, दोनों पे 1-1 चार्ज है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, m1 है हमारा 0.01 × 1² प्लस m2 भी है 0.01 × 1² और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 0.02 एंड देन 2 × 0.02 × 2 = 2 × 5 = 10 0.015 मतलब मीन आयनिक एक्टिविटी आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल हैज़ लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल दे रखे थे, मतलब 4 ऑप्शन में दे रखे होंगे और उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म बतानी थी, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म उसमें होती है जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड था NCS। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बतानी थी, PCH3 की तरह इस PC2H5 की तरह इस PPH3। तो बेसिक सिटी जो बेसिक सिटी का फॉर्मूला होता है इस प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ओवर माइनस आई, तो बेसिक सिटी इस प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता है बेसिक सिटी बढ़ती है, तो C2H5 तो PC2H5 की थ्राइस एथिल की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी क्योंकि C2H5 की बेसिसिटी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर देन PCH3 की थ्राइस इसमें भी प्लस आई होगा और बट PPH3 की PH फिनाइल में माइनस आई होता है तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज़ फाउंड इन DNA। तो DNA में डीऑक्सीराइबोज राइबोज शुगर होती है या पेंटोज शुगर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन जब बीटा ग्लूकोज जो है वो एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है अल्फा ग्लूकोज में, तो ये रिएक्शन जो होती है ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम ऑप्शंस दे रखे थे जितना मेरी नॉलेज में आए हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंजीक्यूटिव रिएक्शन है, तो दिस इज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज़ द शेप ऑफ NaCN4-2। तो Ni का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8-4, ये भी क्वेश्चन करवाया था 3D8-4S2। Ni यहाँ पे +2 कॉन्फ़िगरेशन में है तो क्या हो गया 3D8। CN क्या है, जहाँ पे भी मैंने कहा था कार्बन और नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जहाँ पे भी कार्बन और नाइट्रोजन हो जाए तो दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देते हैं, इनर की तरफ पेयरिंग कर देते हैं, तो इनर की तरफ पेयरिंग करने से ये डी वाला वेकेंट हो जाएगा, तो 4, 1, 2, 3, 4 D1S2P, तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन शेप DSP2 हाइब्रिडाइजेशन की होती है स्केयर प्लेनर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ PtCl4-2। तो ये एक एक्सेप्शन होता है कि प्लैटिनम जब भी +2 पोजीशन में होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री भी स्केयर प्लेनर ही होगी सेम निकल जैसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन ब्यूटेन विच कन्फर्मर हैज़ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो एंटी कन्फर्मर की लोअर पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वारेजिया। देखिए ऑपोजिट पूछा गया, हमें पता है हम फॉर्मूला होता है एक्वारेजिया का HNO3.3HCl, तो यहाँ क्या पूछा गया रेशो HCl और HNO3 का, तो HCl का रेशो कितना है 3, HNO3 का कितना है 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिसिटी जो होती है ये क्या होती है इन लेंथेनाइड्स में, कि जैसे जैसे हम सीरीज़ में जाते हैं वैसे वैसे बेसिसिटी जो है वो घटती रहती है लेंथेनाइड को रेंट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम सीरीज़ में जाते हैं साइज क्या होता है छोटा हो जाता है, साइज छोटा होने का कारण कोवेलेंस करेक्टर बढ़ता है, तो OH जल्दी से रिलीज नहीं करते, तो बेसिसिटी घटती है। अब आपको पता है लेंथेनाइड सीरीज ला से पर नादे पम्मी सम यू गड तब डाई
हो, और फिर अरे तुम यब्लू यब्लू, तो यहाँ देख लो अब ला से पर, तो पर सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं पूछा था, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा गया था, तो प्रोमीथियम इज़, प्रोमीथियम ट्राईहाइड्रोक्साइड इज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिंग होगा, क्योंकि सीरीज में जैसे जाएंगे बेसिसिटी घटेगी, फिर यूरोपियम कम होगा, गैडोलियम उससे कम होगा, और इटरबियम उससे भी कम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होती है एक्स बाई एम बराबर के पी की पावर 1/n। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन पोटेशियम थैलेमाइड गैब्रियल सिंथेसिस, सबने पढ़ा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो पोटेशियम थैलेमाइड होता है थैलिक एसिड का एमाइड, जब ये आपके रिएक्ट करता है एन नेगेटिव के पॉजिटिव, जब आपके ये एल्किल ब्रोमाइड RBr से रिएक्ट करेगा तो ये KBr निकल जाता है और RN बन जाता है, टन 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 CO, एंड ये NR बन जाता है, और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है RNH2 निकल जाता है, COOH बन जाता है, तो ये क्या बन गया COOH, ये यहाँ से ब्रेक होता है HOH, तो ये COOH, ये RNH2 निकल जाता है, तो ये क्या बन जाता है थैलिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, लेकिन ज़्यादा हम देखते हैं कि मास किसका बढ़ता है, तो जैसे जैसे हम अगर इसमें इन चारों में देखें तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एल्यूमिनियम की हाईएस्ट डेंसिटी होनी चाहिए, बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन विच बायो मॉलिक्यूल फैट एंड ऑयल इज़ प्रेजेंट, तो लिपिड्स में फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज़ फॉर्म व्हेन CO2 रिएक्ट विद लाइम वाटर, ये भी क्वेश्चन मैंने डाला था प्रैक्टिस वाटर सेशन में, मैंने डाला था कि CO2 रिएक्ट करता है जब स्लाइन वाटर से, तो CO2 रिएक्ट विद स्लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH की ट्वाइस, तो ये बना देता है आपके CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर किसकी होती है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर आप इन चारों में देखें PCl3 NH3, ये इन दोनों में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, दिस इज़ ऑल्सो sp3 CO3-2, में आप देखिए कार्बन के पास कितने हो गए, दो दो चार दो छः इलेक्ट्रॉन, चार होते हैं -2 के कारण दो और जुड़ गए, फिर ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो तीन सिग्मा मतलब कि आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट इज़ फाउंड व्हेन क्यूमीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो जब आप क्रोमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन CH3, जब आप इसकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो पहले क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बनता है, देन वो ब्रेक होके आपके ये फिनोल दे देता है एंड एसीटोन दे देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल इज सिस, विच मॉलिक्यूल शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कई सारे मॉलिक्यूल, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है 2-ब्यूटीन दे रखा था, 2-मिथाइल 2-पेंटीन दे रखा था, तो देखिए 2-ब्यूटीन जो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 2-ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि उसमें CH3H AB ग्रुप, ए बी मतलब ऐसे खोल के लिख लीजिए आप देखने के लिए, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये ए और बी डिफरेंट होना चाहिए बस, CH3H, ये ए और ये बी, तो ए ए पास पास है, तो सिस जब ये ऐसे एंटी होते हैं तो ट्रांस, तो ये क्वेश्चन का आंसर था 2-ब्यूटीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो NaCl हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, Na की होती है 0.9, NaCl की होती है 3.5, 3.0, हमें याद नहीं रखनी होती इलेक्ट्रॉन वैलेंस नेगेटिविटी डिफरेंस, हमें ये देखना होता है कि कौन कितना एक्सट्रीम राइट साइड में और कौन कितना एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेबिलिटी,
लेबिलिटी मतलब कि कितनी जल्दी लिगेंड ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट आर द लेबाइल कॉम्प्लेक्स, लिगेंड की जगह दूसरे लिगेंड आ सकते हैं। तो इसका होता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर आप इसमें देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि Al6-3, देन SiF6-2, देन PF6- एंड देन हो जाएगा SF6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 6 में से 3 गए, 3, तो यहाँ पे क्या है, 3 चार्ज, यहाँ पे क्या है, 4 चार्ज, यहाँ पे क्या है, 5 चार्ज, यहाँ पे क्या है, 6 चार्ज। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेबिलिटी जो है डिक्रीज होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंथ्रेसीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, HCl, NaCl। एंथ्रेसीन क्या होता है आपका? जब आप इसकी HNO3, HCl, NaCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो मिड पोजीशन पे आपके NO2 आ जाता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज़ लोवेस्ट रेडियाई? तो लोवेस्ट रेडियाई किसकी होती है? Be+2 की। ऑप्शंस जहाँ तक मेरी नॉलेज में है तो एक Li+ कैटायन दे रखा था, लिथियम, एक Be+2 थे और एनायन दे रखे थे, और मैंने बताया था लोवेस्ट आयनिक रेडियाई उनकी होती है जो कि स्मॉलेस्ट, जिन पे हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज मतलब साइज जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ओवर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो सॉरी, इज़ नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इथाइल बेंजीन इज़ इथाइल बेंजीन इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल? तो इथाइल बेंजीन मतलब CH2CH3 को जब हम निकल की प्रेजेंस में रिड्यूस कराते हैं तो ये कंप्लीट रिडक्शन होके आपके CH2CH3 मतलब इथाइल साइक्लोहेक्सेन दे देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी गई थी। तो ये तो बच्चे बच्चे को रटा होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, ClF, BrI, ये सीक्वेंस होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच प्रोडक्ट इज़ फाउंड व्हेन कैटेकोल रिसोर्सिनोल हाइड्रोक्विनोल? कैटेकोल होता है ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। कैटेकोल को आप जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये क्विनोन में जाएगा, डबल बॉन्ड ऑन डबल बॉन्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1,2-डाईहाइड्रोक्सी या ऑर्थो बेंजोक्विनोन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच प्रोडक्ट इज़ फॉर्म व्हेन प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद? प्रोपिल ब्रोमाइड होता है CH3CH2CH2Br, एंड जब ये Mg से रिएक्ट करता है तो क्या बन गया, CH3CH2CH2MgBr। एंड नेक्स्ट क्या है, जब इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे H2O की प्रेजेंस में तो ये आपको क्या देगा, एल्केन। ये भी क्वेश्चन पूछा था मैंने मेरे प्रैक्टिस सेशन में, और उसमें मैंने मीथेन से रिलेटेड पूछा था। चलिए बढ़ते हैं, विच इज़ ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड वही डाईसैकेराइड्स, ट्राईसैकेराइड, मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होती है वो ओलिगोसैकेराइड। तो माल्टोज डाईसैकेराइड होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज मोनोसैकेराइड। हाउ मच ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड इन MABCDEF? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा है तो 15 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर की होती है केल्विन, SI यूनिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। टेरिलीन इज ऑल्सो, टेरिलीन किससे बनता है आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2O, इथाइलिन ग्लाइकोल जब बेंजीन मतलब टेरेपथैलिक एसिड से रिएक्ट करता है, Be1,4-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड से CH2COO, Be1,4-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है CH CO O
एंड देन ओ सी एच टू, सी एच टू, तो बेनफोर, तो इसको तो हम कहेंगे पोलीथीन, एंड इसको हम कह सकते हैं टेरिप्थलीन, पोली टेरिप्थलीन, तो टेरिप्थेलिक एसिड होता है तो पोलीटेरिप्थलीन, एंड इथाइलिन का लिखते पोलीथीन पोलीटेरिप्थलीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की दो क्वेश्चन आए थे, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारी इंटेंसिव, मतलब जो इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक्सटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो एक ऑप्शन था शायद तक एंट्रोपी, तो एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन गैडोलिनाइट। गैडोलिनाइट में होता है सीरियम, अर्थ, तो सीरियम जो है वो गैडोलिनाइट में पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल इज़ फाउंड इन एसिड रेन। एसिड रेन में होता है हमारे CO, SO2 और NOx। एसिड रेन में H2SO4 से बनता है और HNO3, तो SO2 और NO2। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, देखिए 3 डिग्री का सबसे लोवेस्ट, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, क्योंकि ये जो है 1 डिग्री, इसमें NH2 ग्रुप होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चले जाते हैं। 2 डिग्री में उससे कम होती है क्योंकि एक हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो डाई इथाइल एमीन हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ कंपाउंड इज चीज़। द कंपाउंड जो है वो एक तरीके का है, कंपाउंड क्या होती है, लिक्विड डिस्पर्समेंट, मतलब लिक्विड इन लिक्विड, किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट, विच एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एलिमेंट दे रखे थे उनके, उनमें एल्यूमिनियम ऑप्शन में था, तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है दैट इज़ द Al2O3, वो एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है और बेस से भी रिएक्ट कर लेता है। एसिड से रिएक्ट करके ये बनाता है AlCl3, और बेस से रिएक्ट करके बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। तो देखिए एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, दोज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन था, व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर, व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन का निकालते हैं, P₀ - PS/P₀ इक्वल्स टू N₁/N₂, W₁/M₁, टू W₂/M₂, N₁/N₂ करके। देखिए P₀ हमें नहीं दे देगा, हमें वेपर प्रेशर ऑफ द, P₀ जो है प्योर वाटर का 1 एटमोसफियर हो गया, या हम कहेंगे 700 एटमोसफियर को बाद में हम चेंज करेंगे, तो 1 एटमोसफियर PS/1 बराबर W₁ आपको दे रखा है 6, यूरिया का मोलर वेस होता है 60, देन W₂ है आपका 90 ग्राम, इंटू मोलर मास H₂ का होता है 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा PS, सॉल्यूशन का PS आ जाएगा, दैट विल कम इन 1 एटमोसफियर। फिर आप उसको 760 mmg से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.744 समथिंग आपका इसका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इसके मैं छोड़ रही हूँ। इन विच बॉन्ड एंथैल्पी इज़ हाईएस्ट। हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी पूछी गई थी, सी डबल बॉन्ड CSIF, सी डबल बॉन्ड ओ SiO। तो देखिए हमें पता ही है, ग्रुप में जाने जैसे जैसे हम जाते हैं तो जैसे जैसे साइज का डिफरेंस बढ़ता है, बॉन्ड एंथैल्पी होती है, तो SiF SiNO साइज़ का डिफरेंस है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो सेम, मतलब सीरीज के नहीं हैं, तो इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी जो है इनकी कम होगी। अब सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ में, सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हाइएस्ट होगी, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन, मतलब थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर रहता है, एंड आयनो करेक्टर इज आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट, एंड सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर बॉन्ड एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ये फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी,
तो सबसे पहले हमें पता है फॉर लोवेस्ट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लोवेस्ट ट्रांजिशन वन ओवर लेमडा आर बराबर आर इंटू वन ओवर एन वन स्केयर माइनस वन ओवर एन टू स्केयर इंटू जेड स्केयर। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर वन होगा। नेक्स्ट वन ओवर एन वन तो वन है ही, और वन ओवर एन टू जो है वो हो जाएगा, एन टू है हमारा टू, देखिए आर वन ओवर एन वन स्केयर, एन रिडबर्ग आर होता है रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, तो वन ओवर वन का स्केयर माइनस वन ओवर टू का स्केयर, और जेड हमारा वन है ही तो वन का स्केयर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो वन ओवर लैम्डा आपके आ जाएगा, सॉरी जब आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा आपका आ जाएगा 121.6 नैनोमीटर। नैनोमीटर को आप मीटर में चेंज कर ले, 121.6 इंटू 10^-9 मीटर। नाउ लैम्डा बराबर सी एच म्यू बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, म्यू बराबर होता है सी ओवर लैम्डा, तो म्यू आपको निकालना है। सी हो गया 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया 121.6×10^9। जब आप इसे सोल्व करते तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन वन पेंटीन इज रिएक्टेड विद HBr? ये एग्जांपल है बेंजोइल परोक्साइड, परोक्साइड इफेक्ट, क्रास इफेक्ट। तो आपको दे रखा है वन पेंटीन मतलब CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज वन पेंटीन। जब आप इसकी HBr से रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो फिर एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, तो मतलब ब्रोमीन कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, CH2, 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 Br, मतलब वन ब्रोमो पेंटेन बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको इंक्रीजिंग, और ये भी क्वेश्चन मैंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था बॉन्ड एंगल का वेस्पर के अकॉर्डिंग, वही इसमें कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, लिया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो इसका होता है 109 डिग्री, इसका होता है 2 डिग्री कम, एक लोन पेयर आ गया इसका 2 डिग्री और कम 105 डिग्री, ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द टर्म यूज फॉर एंजाइम विच इनिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड किल्स द बैक्टीरिया, जो इनिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियो स्टेटिक, एंड किल करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का ये एग्जाम्पल दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन में रेनिटिडीन ऑप्शन में था, रेनिटिडीन जो है वो एंटा एसिड होता है, तो एंटा एसिड का भी क्वेश्चन था, तो उसमें था रेनिटिडीन एंड ओमेप्राजोल, दोनों जो है ओमेप्राजोल दोनों जो है वो एंटा एसिड होते हैं। नेक्स्ट व्हेन ब्रोमो बेंजीन रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HNO3, जब आप ब्रोमो बेंजीन की कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो आपका जो ये है प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 NO2+ देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, और ब्रोमो बेंजीन क्या होते हैं ऑर्थोपैरा निर्देशी होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है हेलाइड ग्रुप, तो आपको 2 और 4 मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा 4 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हेन CO रिएक्ट विद, जब CO की आप H2 से रिएक्ट करवाते हैं Al2CO3 की उपस्थिति में, तो आपके बनता है मैथेनॉल। इन द इफ़ द कार्बन परसेंटेज आपको दे रखी है 38.7, तो कार्बन कितना दे रखा है 38.7, ठीक है। हाइड्रोजन आपके कितना है 9.7, ऑक्सीजन आपके आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो और 100 में से घटा दो तो रेस्ट इज आ जाएगा ऑक्सीजन। तो जस्ट ए मिनट, अभी हम देख लेते हैं कितना आएगा ऑक्सीजन, तो 100 - 38.7 + 9.7, तो ऑक्सीजन आ जाएगा 51.7।
सिक्स। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि वो कार्बन का मास मारा होता है, इसको 1 से, इसको 16 से, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38.7 डिवाइडेड बाई 12, कार्बन का आ जाएगा 3.225, ये आ जाएगा 9.7, और ऑक्सीजन आ जाएगा 51.6 डिवाइडेड बाई 16, 3.225। अब अगेन, अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, 3.225, तो स्मॉलेस्ट 3.225 से डिवाइड करो तो ये 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये सिंपलेस्ट मूलानुपाती सूत्र जिसे हम कहते हैं, ये तो बन गया CH2O। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, अगर यदि ये दे रखा है CH3O, ठीक है, ये दे रखा है 62.3, तो इसको 12 और 3 15 और 16 15 31, 31 से डिवाइड करेंगे तो ये लमसम 2 का है, तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H6O2 फॉर्मूला बनेगा। तो ये था क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्केन एल्केन, तो ये दे रखे थे C(CCC)CH3, SPH की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन CH(CCC), देन CH2(CH)SP2 की उससे कम, एंड देन CH3(CH2)3SP3 की उससे कम एसिडिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, ये दे रखी थी आपको कैनिजारो का एक एग्जांपल, जब क्लाइओक्सेल अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसकी आप NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो कैनिजारो रिएक्शन हो जाती है, इसको इंट्रा मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, कि एक ग्रुप कैनिजारो क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब उसके एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है दूसरे का रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो गया CH2OH, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो गया CWNA, तो ये बन गया आपका, ये प्रोडक्ट बनता है, ये हो गया आपकी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन प्रोपीन टोलुइन एंड साइक्लोहेक्सेन, तो टोलुइन जो है ये मोर एसिडिक होता है, देन उसके बाद प्रोपीन एंड देन साइक्लोहेक्सेन, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट डज नॉट फॉर्म MOH4, ये क्वेश्चन मुझे स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसके मेरे को ध्यान से ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं एक बार छोड़ रही हूँ। एक था द लोअर ग्रुप प्लैटिनम इज डी ब्लॉक के, दो क्वेश्चन मुझे सुनने में आए हैं कि डी ब्लॉक के दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो पूछा गया था कि कुछ AGAU, मेरे को ये सुनने में आया है कि AGAU अनरिएक्टिव होते हैं क्यों, एंड एक ये लोअर ग्रुप प्लैटिनम का आया था, लोअर ग्रुप प्लैटिनम कौन से होते हैं, तो देखिए लोअर ग्रुप प्लैटिनम जो होते हैं, प्लैटिनम जो होते हैं वो सिक्स एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं, तो वो सिक्स एलिमेंट मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। रूडियम रूडियम रोडियम प्लैटिनम एंड ऑस्मियम इरिडियम एंड प्लैटिनम, तो ऑप्शन में जो भी है आपके प्लैटिनम को छोड़ के इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें तीन एलिमेंट होंगे, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। क्लोरोफिल जो है वो हमें पता है मैग्नीशियम को रखता है, ठीक है। एक आया था कि जब हाइड्रोजन गैस है वो निकल की सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, तो ये कौन सा कैटालिसिस होता है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हीट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि कैटालिस्ट की फेज एंड रिएक्टेंट की फेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो दिस इज़ हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो जितने क्वेश्चंस मैं रिकवर कर पाई, क्योंकि पेपर नहीं मिलता है, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट से कलीग्स से, तो मैं जितने भी क्वेश्चन रिकवर कर पाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सिर्फ आप लोगों के लिए रिकवर किए हैं, और मैं उनको रिव्यू लेके आई हूँ। आई होप मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गलत हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ईजी था, और
हो सकता है आपको इजी इसलिए भी लगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोस वास्तव में बेनिफिशियल होती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर लाइक स्पैम, दे आर लाइक मतलब कि उनको पसंद नहीं है कि कोई और चैनल ग्रो करे, तो आई डोंट नो कि कुछ लोगों ने किच ने मेरे वीडियोस को स्पैम बताया है, जबकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की वीडियो डालती हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करती। इवन अबाउट माय पर्सनल लाइफ मेरे से बहुत जने पूछते हैं कि मैं कहाँ पे क्या जॉब करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ आती हूँ, अपना लेक्चर देती हूँ। और अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है तो सबको पता होगा कि मैं बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बात करती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा बातें करना पसंद ही नहीं है। तो स्टिल मतलब किसी ने मेरी वीडियो को स्पैम बोला एंड यूट्यूब ने मेरे चैनल को बंद किया है, तो आई डोंट नो कि मेरी ये वीडियो अपलोड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मेरा सिर्फ इतनी सी आग्रह है कि जो कोई भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप जनरल डिसलाइक कीजिए, मुझे मेरे अंदर जो कमी है मुझे वो बताइए, बट बिना बात के यूट्यूब पर ये दिस इज़ ए स्पैम वीडियो ये मत प्लीज़ काम करिए। और अगर यदि अकॉर्डिंग टू मी, अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ हाई जानी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 120 130 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। और बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री जिन्होंने भी एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम दिया। और इसके अलावा टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, बट मैं तो 90 के करीब ही क्वेश्चन कर पाई हूँ रिव्यू, मतलब उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है, या फिर मतलब जितने में मतलब मेरे से हो पाए उतने मैंने कर दिए। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भी ये क्वेश्चन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है और कोई क्वेश्चन आपको जानना है। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मेरे चैनल से यूं ही जुड़े रहिए। और अगर आपके लिए मेरी वीडियो लाभदायक है और आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।